अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ हसन रज़ा और आप देख रहे हैं ब्लॉगर ट्यूटोरियल कंपनी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस तरीके से ब्लॉगर में ऑडियो ऐड करेंगे और फिर उसको ऑटो प्ले करना सीखेंगे। इसके अलावा मोबाइल में ऑटो प्ले कैसे होगा और डेस्कटॉप पे ऑटो प्ले कैसे होगा, ये सारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए, आप चलते हैं ब्लॉगर की तरफ। मैं ब्लॉगर पे आ चुका हूँ, मैंने इसको ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। इस टॉपिक पर ऑलरेडी मेरी 5 से 6 वीडियोज़ आ चुकी हैं जिसमें मैंने बताया है किस तरीके से ऑडियो फाइल्स को ब्लॉगर में ऐड करते हैं, किस तरीके से ब्लॉगर पे ऑडियो को बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पर चलाते हैं, किस तरीके से हम इसमें ऑटो प्ले करते हैं। ये सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की फरमाइश थी कि हमें मोबाइल पर ऑटो प्ले करना सिखाएं। उसके अलावा हम चाहते हैं कि ऑटो प्ले ऑडियो जो है वो ब्लॉगर डेस्कटॉप पर भी काम करे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें आपको करके दिखाने वाला हूँ। ब्लॉगर को आपने लॉगिन कर लेना है, जिसमें भी आपने ऑडियो ऐड करनी है। उसके बाद आपने न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। अब ये स्क्रीन आपके सामने बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर HTML में आपने जाना है। उसके बाद अब मैं जो कोड यहाँ पर लिखने वाला हूँ आप उसको नोट कर लीजिएगा। कोशिश करूँगा कि आपको ये कोड मैं नोट पैड या फिर MS Word के अंदर भी आपको ये फाइल प्रोवाइड कर दूँ। अदरवाइज़ आप ये कोड यहाँ पर ईजीली रीड करके इसको मेमोराइज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा कोड है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने टाइप करना है ऑडियो, उसके बाद आपने टाइप करना है कंट्रोल्स। मैं साथ साथ इसलिए बोलूँगा ताकि आपको ये याद भी हो जाए और आपको बार बार कोड कॉपी पेस्ट करना ना पड़े। ऑडियो कंट्रोल्स के अंदर ही आपने दोस्तों क्या करना है, ऑटो प्ले आपने ऐड कर देना है। ऑटो प्ले इक्वल और डबल डॉट, जिसको हम इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर लिख देना है यस, और इसको डबल डोर से आपने क्लोज़ करना है। स्पेस दे के आपने इसके अंदर चूँकि मोबाइल में भी इसको शो करवाना है तो आपने लिखना है मोबाइल इक्वल यस, और अब आपने इसको यहाँ पर क्लोज करना है। और नेक्स्ट आपने कोड देना है सोर्स SRC। सोर्स के बाद स्पेस आपने ज़रूर देनी है। मेरे कोड के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, एंड मैंने लगा दिया तो मैं उसको इरेज कर देता हूँ। सोर्स SRC इक्वल इन्वर्टेड कॉमास। अब जो आपके सॉन्ग का लिंक होगा जो आपने ड्राइव में रखा होगा या किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट में रखा होगा, आपकी जहाँ पर ऑडियो फाइल होगी वहाँ का जो डाउनलोड लिंक है या फिर जो प्ले लिंक है वो आपने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और मैंने वो सॉन्ग का जो लिंक है ऑलरेडी कॉपी किए हुए मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। इन्वर्टेड कॉमा से इसको क्लोज़ करना है और इसके बाद आपने इन कोड्स को क्लोज़ कर देना है। कोड मैंने ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपोज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर शो नहीं होगा। अब आपने इसको पब्लिश कर देना है। इसका टाइटल मैं लिख देता तो अच्छा था, खैर अब हम इसको व्यू करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि ऑटोमेटिकली जो सॉन्ग है वो प्ले हो गया था। आपको कुछ साउंड भी आया होगा मेरे माइक के थ्रू, ऑटोमेटिकली सॉन्ग प्ले हुआ था। तो फाइल जो है यहाँ पर काम कर रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये फाइल मोबाइल पर काम करेगी या नहीं। ये फाइल मोबाइल पर भी काम करेगी। आप मेरा यहाँ पर देखिए लिंक जो है आपके सामने है। ये लिंक भी मैं आप लोगों को टेस्ट करने के लिए अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। toolsforblog.g.blogspot.com ये लिंक है। इसके अलावा बाकी वीडियोस के लिंक्स भी मैं आपको दे दूंगा, जिसके थ्रू आप ऑडियो को ऐड करने का तरीका भी सीख लेंगे, किस तरीके से हम ऑडियो का लिंक लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी
कर चुका हूँ। एक और वीडियो भी है, इसके अंदर मैंने बनाया कि आप बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐसे चला सकते हैं, प्लेयर दिखाई नहीं देगा और आपके ब्लॉग पे ऑटोमेटिकली जो है वो बैकग्राउंड म्यूज़िक चलेगा जो आप अपनी तरफ से लगाना चाहते हैं। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, बाद में आप लोग कंप्लेन करेंगे, ये जो ऑडियो है ये प्ले तो करेगा लेकिन आपको मोबाइल पर इसको प्ले करना होगा। मोबाइल पर ऑटो प्ले जो है वो नहीं होता है, ना ही किसी और ब्राउज़र में होता है, ना ही गूगल क्रोम में होता है, ना ही फायरफॉक्स में होता है, बल्कि अभी तक ये फीचर आया ही नहीं है। मैंने बहुत सारे कोड्स एक्सपेरिमेंट किए जिसके बाद मैंने फिर गूगल पे थोड़ी सी सर्च की और इसको मुझे अंदाज़ा हुआ कि गूगल का भी कहना है कि उन्होंने अभी तक ऐसा कोई भी जो सिस्टम है वो ऐड नहीं किया है कि मोबाइल के ऊपर भी जो है वीडियो ऑटो प्ले हो सके। डेस्कटॉप पर ही ऑटो प्ले की जा सकती है। जो आप बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करेंगे वो सिर्फ डेस्कटॉप के लिए ही होगा, लैपटॉप के ऊपर भी होगा लेकिन वो मोबाइल में या टैब में शो नहीं होगा, वो सुनाई नहीं देगा। दोस्तों मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपने ऑडियो प्लेयर को जो है ब्लॉगर में ऐड करना है, किस तरीके से सॉन्ग को ऑटो प्ले करना है और किस तरीके से इसी सॉन्ग को मोबाइल में भी शो करवाना है। अब ये आप मोबाइल पे यूज़ आप देखेंगे, स्पोर्ट्स को विजिट करेंगे तो ये आपके मोबाइल में जो है वो वर्क करेगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है इसलिए आपको मेरी शायद आवाज़ में प्रॉब्लम महसूस हो रही होगी, मेरे लिए दुआ भी ज़रूर किया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं और मुझे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। अगली वीडियो तक मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़।